अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूँ हानिया रहमान। शामिल करते हैं दुनिया भर और पाकिस्तान से ब्रेकिंग हेडलाइंस। सबके तहफ़ुज़ का है निशान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस 1122 जिला खुशाम ने सालाना इमरजेंसी रिपोर्ट 2023 जारी कर दी, जिसके मुताबिक साल 2023 में 27,337 मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया, जबकि 1,494 टोटल कॉल्स में से 25,624 इमरजेंसी कॉल्स थी। इस सिलसिले में एक इजलास जिले सदारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद मुनक्किद हुआ, जिसमें साल भर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बादजा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस साल 2023 में 1,494 टोटल कॉल्स वसूल हुई, जिनमें से 25,624 इमरजेंसी कॉल्स थी, जबकि बाकी बेजा और गैर जरूरी कॉल्स थी। इन्होंने बताया गुज़िश्ता साल में 3,387 रोड ट्रैफिक के हादसे, 18,287 मेडिकल की इमरजेंसी, 135 आतिशबाजी के वाकयात, 593 क्राइम के वाकयात, 6 पानी में डूबने की इमरजेंसी और 2,216 दीगर इमरजेंसी डील की गई, जिनमें काम करते हुए चोट लग जाने, छत से गिर जाने, जहरीले जानवर के काटने वगैरह और दीगर इमरजेंसी शामिल है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल में रेस्क्यू अमला ने 5,611 मामूली मुतासर लोगों को मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की, जबकि 21,204 शदीद मुतासर लोगों को बरवक्त तिबी इमदाद मुहैया करके मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया। पेशेंट रेफरल सर्विस के मुताबिक इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने बताया कि गुज़िश्ता साल 2023 के इख्तिताम तक बेहतर इलाज और मुआलिज के लिए सरकारी अस्पताल से दूसरे अस्पतालों में 3,734 मुतासर मरीजों को तिबी इमदाद फराहम करते हुए मुंतकिल किया गया। हाफिज अब्दुल रशीद ने मजीद कहा कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस मुतासरीन को बरवक्त और मियारी सर्विस की फराहमी के लिए हमवक्त कोशा है। इन्होंने अवामुन्नास के नाम अपने पैगाम में कहा कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस के हेल्पलाइन पर गैर जरूरी और डिस्टर्बिंग कॉल से इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से गुरेज करें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और वालदैन अपने बच्चों को कम उम्र की ड्राइविंग से गुरेज करवाएं।